गुड मॉर्निंग एवरीवन। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इनइक्वालिटी ऑफ रैशनल फंक्शन। सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग देख लेते हैं कि रैशनल फंक्शन क्या है। रैशनल y इक्वल टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स, वेयर एफ एक्स एंड जी एक्स आर पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन इन x इज कॉल्ड रैशनल फंक्शन। अब इसमें सब लोग इसमें ऐड करते हैं इनइक्वालिटी ऑफ रैशनल फंक्शन। इनइक्वालिटी ऑफ रैशनल फंक्शन फर्स्ट टाइप हो सकता है एफ एक्स अपॉन जी एक्स ग्रेटर देन जीरो, एफ एक्स अपॉन dx greater than equal to 0. Third, fx upon dx less than 0. And fourth, fx upon dx less than equal to 0. ये हमारे पास inequalities के type। Some note to solve inequality of rational function. Rational function never do cross multiply. इनइक्वालिटी सॉल्व करते समय हमें कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है। ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड cross multiply. Always keep right part of inequality. Right part of inequality always keep right part of inequality always keep nature always safe. Always right part of inequality to left side by changing their sign, by changing their sign. Next section, step to solve inequality of rational function.
step number 5. Factorize the given factor. Factorize numerator and denominator polynomial. Step number 2. Next, coefficient of x positive. Step number 3. Find critical point by situating each factor of numerator and denominator as this. Step number 4. Arrange this critical point on number 2. Number line. Step number 4 हो चुका है. 4 के बाद step number 5. Step number 5. Check at 2 conditions. First, at even power index of any factor at as numerator and denominator. If condition satisfied, then check that critical point. Check that critical point in solution
अदरवाइज लीव इफ। सेकेंड कंडीशन क्या है, एट क्रिटिकल पॉइंट ऑफ डेनोमिनेटर अवॉइड दिस पॉइंट फ्रॉम देयर सॉल्यूशन, फ्रॉम देयर स्टेप नंबर सिक्स। पुट पॉजिटिव साइन इन द एक्सट्रीम लेफ्ट इन द एक्सट्रीम राइट मोस्ट पार्ट ऑफ नंबर लाइन। अल्टर अल्टर द साइन ऑन नंबर लाइन इफ ऑड पावर फैक्टर सम और पावर फैक्टर सम फ्रॉम राइट टू लेफ्ट ऑन नंबर लाइन, दैट मीन्स पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड नेगेटिव टू पॉजिटिव। इन अदर केस पॉजिटिव टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव टू नेगेटिव। इसके लिए हो जाएगा सर इवन पावर फैक्टर। नेक्स्ट स्टेप हमारा स्टेप नंबर आई थिंक 7। स्टेप नंबर फॉर सॉल्यूशन, फर्स्ट वाई ग्रेटर देन जीरो, दिस इंप्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू सम ओपन ब्रैकेट यूनियन सम ओपन ब्रैकेट टाइप। सेकेंड पॉइंट y greater than equal to 0, this implies that x belongs to close bracket union close bracket। third में y less than 0, x belongs to सम ओपन ब्रैकेट यूनियन सम ओपन ब्रैकेट। फोर्थ नंबर वाई लेस देन इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल यूनियन सम अदर क्लोज इंटरवल।
स्टूडेंट ग्रेटर देन के लिए और ग्रेटर देन इक्वल के लिए हम लोग यूज करेंगे पॉजिटिव पार्ट ऑफ नंबर लाइन और लेस देन इक्वल टू के लिए लेस देन और लेस देन इक्वल टू जीरो के लिए हम लोग यूज करेंगे नेगेटिव पार्ट ऑफ नंबर लाइन। इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग इन सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम लोग सॉल्यूशन को देखेंगे। एक नोट लिखते हैं सर, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन वाई इक्वल टू एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। इफ फर्स्ट पॉइंट, इफ ए ग्रेटर दैन जीरो एंड बी लेस देन जीरो, देन जो हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। एंड सेकेंड पॉइंट, इफ ए लेस देन जीरो एंड बी लेस देन जीरो, दिस इंप्लाइज दैट क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमारा ऑलवेज क्या होगा फ्रेंड, नेगेटिव होगा। यदि स्टूडेंट इनइक्वालिटीज के सवाल में हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आता हो एंड क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का फैक्टर ना कर पाओ जिसमें कि आपका डी नेगेटिव हो जाए, तो उस स्थिति में दो केस बनते हैं। डी नेगेटिव के केस में दो, यदि ए पॉजिटिव हो तो पूरा पूरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमारा पॉजिटिव हो जाता है, और डी नेगेटिव हो और ए लेस देन जीरो हो पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या हो जाता है फ्रेंड, नेगेटिव होता है। इस स्थिति में फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, यदि पॉजिटिव है तो उस पॉजिटिव पार्ट को हम लोग पॉजिटिव एक्सप्रेशन को हम लोग डायरेक्टली क्या कर देंगे, अवॉइड कर देंगे। डायरेक्टली क्या कर देंगे, अवॉइड करा देंगे या उसको क्या कर देंगे हम लोग उस इक्वेशन से उसको क्या कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। अवॉइड क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन फ्रॉम इनइक्वालिटी विदाउट चेंजिंग देयर विदाउट चेंजिंग देयर साइन ऑफ इनइक्वालिटी। और यहां पे क्या होगा फ्रेंड, अवॉइड करेंगे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन फ्रॉम इनइक्वालिटी विथ चेंजिंग देयर साइन ऑफ इनइक्वालिटी। ओके स्टूडेंट्स, तो इन सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए स्टूडेंट्स हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। ओके, फर्स्ट एग्जांपल स्टूडेंट्स हम लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल क्या लिखा हुआ है, हमको लिखा हुआ है फाइंड कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग इनइक्वालिटी। पहला क्वेश्चन है हमारे पास एक्स माइनस टू एंड एक्स प्लस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स हमें यहाँ पे फैक्टर करने की आवश्यकता नहीं है, ये पूरा के पूरा एक्सप्रेशन पहले से ही फैक्टर किया हुआ है और केवल यहाँ पे न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर नहीं है। और सारे के सारे जो हमारे फैक्टर्स है उसका कोएफिशिएंट यानी एक्स का जो कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, और साथ साथ जो पावर्स है वो हमारा ऑड पावर्स है। ओके सर, तो सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट स्टूडेंट हमें दिखाई दे रहा है टू और माइनस थ्री। इसे स्टूडेंट हम लोग नंबर लाइन पे अरेंज करते हैं, तो सबसे पहले माइनस थ्री और फिर यहाँ पे कितना होगा स्टूडेंट देखें टू, क्योंकि सारे के सारे कोएफिशिएंट हमारा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव था तो राइट साइड में स्टूडेंट हमें कितना पुट करना चाहिए पॉजिटिव। ये सारे के सारे हमारे ऑड पावर्स है, तो हमारे पास जो ऑड पावर्स है ऑड पावर फैक्टर्स है, तो हम लोग साइन को क्या कर देंगे स्टूडेंट चेंज करेंगे पॉजिटिव से नेगेटिव,
और नेगेटिव से क्या करेंगे स्टूडेंट देखें पॉजिटिव, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे हमारा लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, यानी इन क्रिटिकल पॉइंट को हमें अपने सॉल्यूशन में इंक्लूड करना पड़ेगा, तो हमें पॉजिटिव आंसर चाहिए, तो पॉजिटिव आंसर इसको इंक्लूड करते हुए बाहर की तरफ इसको इंक्लूड करते हुए स्क्रीन को इंक्लूड करते हुए बाहर की तरफ पॉजिटिव आंसर। तो स्टूडेंट हमारे जो फाइनल आंसर होगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस थ्री को इंक्लूड करना है, इन्फिनिटी पे ऑलवेज स्टूडेंट हम लोग कैसा ब्रैकेट देते हैं, ओपन ब्रैकेट यूनियन टू टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये स्टूडेंट हमारा पहला आंसर है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है x डिवाइडेड बाई x प्लस वन ग्रेटर देन टू। हम लोग जानते हैं स्टूडेंट हमें कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना होता है, जो भी स्टूडेंट हमारा राइट पार्ट में है उसे हम लोग इनइक्वालिटी के लेफ्ट साइड में लाएंगे बाय देयर चेंजिंग देयर साइन। x डिवाइडेड बाय x प्लस वन माइनस का टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब स्टूडेंट हम लोग एलसीएम लेते हैं x प्लस वन x माइनस का टू x माइनस का टू ग्रेटर देन जीरो, माइनस x माइनस टू डिवाइडेड बाई x प्लस वन ग्रेटर देन जीरो, माइनस कॉमन लेते हैं तो x प्लस का टू डिवाइडेड बाई x प्लस वन ग्रेटर देन जीरो, दोनों साइड स्टूडेंट माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो देयर इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा सर, चेंज हो जाएगा x प्लस टू डिवाइडेड बाई x प्लस वन लेस देन इक्वल टू जीरो। यदि स्टूडेंट हम लोग क्रिटिकल पॉइंट की बात करें, क्रिटिकल पॉइंट तो क्रिटिकल पॉइंट हमें क्या दिखाई दे रहा है स्टूडेंट देखें, एक दिखाई दे रहा है माइनस टू और एक दिखा रहा है माइनस वन। माइनस वन जो है स्टूडेंट हमारा वो डिनोमिनेटर से आया है, तो इसकी जगह पे हम लोग क्या लगा देते हैं स्टूडेंट डी, क्योंकि ये डिनोमिनेटर है तो हमें सॉल्यूशन में इस वैल्यू को क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, अपने आंसर से अवॉइड करना पड़ेगा। चेक करते हैं क्या किसी भी फैक्टर्स का पावर इवन है, तो आप देख रहे हो दोनों फैक्टर हमारे पास कैसे आए स्टूडेंट, ऑड पावर से, तो हम लोग यहाँ पे क्या लगा देते हैं ऑड। अब अपने इन क्रिटिकल पॉइंट्स को देखते हैं जो कि कितना है स्टूडेंट देखें, माइनस का टू एंड माइनस का थ्री। अब इन दोनों को अरेंज करते हैं ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन पे सबसे पहले माइनस टू और फिर क्या मिला स्टूडेंट देखें माइनस का वन, क्योंकि सारे फैक्टर्स हमारे पास पॉजिटिव है और सारे फैक्टर्स के जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है वो पॉजिटिव है एंड साथ साथ ऑड पावर है, तो हम लोग साइन को क्या करेंगे स्टूडेंट अल्टर करते हुए चलेंगे, तो सबसे पहले राइट साइड में पॉजिटिव फिर नेगेटिव और उसके बाद क्या होगा इसमें देखें पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे लेस देन है और इक्वल का साइन नहीं है, लेस देन होता है तो इसमें हम लोग क्या करते हैं क्रिटिकल पॉइंट को अवॉइड करते हैं अपने सबमिशन में नहीं रखते हैं, तो सबसे पहले इसमें हमें लेस देन चाहिए तो नेगेटिव पार्ट चाहिए, तो नेगेटिव पार्ट यहाँ से लेकर के यहाँ तक चाहिए, चूंकि ये डिनोमिनेटर से आया है तो इसको तो अपने सोल्यूशन में नहीं रखना है, और चूंकि लेस देन का साइन है तो सब स्टूडेंट हमें माइनस टू को भी क्या करना पड़ेगा अवॉइड करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट जो हमारा फाइनल आंसर हुआ वो रहा एक्स बिलोंग्स टू माइनस टू माइनस वन। ओके स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई फोर एक्स प्लस वन लेस देन इक्वल टू जीरो, सॉल्व करते हैं। आप देख सकते हो स्टूडेंट यहाँ जो हमारा क्रिटिकल वैल्यू निकल के आ रहा है वो आ रहा है वन अपॉइंट थ्री और माइनस का वन अपॉइंट फोर, सारे के सारे फैक्टर्स क्या है स्टूडेंट देखिए पॉजिटिव है, यानी सारे के सारे फैक्टर्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास पॉजिटिव है एंड पावर्स कैसे स्टूडेंट ऑड है, यानी इवन पावर को कोई खतरा नहीं है, और डिनोमिनेटर वैल्यू को स्टूडेंट हम लोग क्या करते हैं अपने सॉल्यूशन से क्या करेंगे अवॉइड करके चलेंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट्स को हम लोग नंबर लाइन पे अरेंज करते हैं, सबसे पहले माइनस का वन अपॉइंट फोर और फिर कितना होगा स्टूडेंट देखिए वन अपॉइंट थ्री, राइट साइड में पॉजिटिव फिर नेगेटिव और फिर क्या है स्टूडेंट देखिए पॉजिटिव, हमें लेस देन यानी कि नेगेटिव आंसर चाहिए तो नेगेटिव आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक शामिल हो जाएगा, साथ साथ स्टूडेंट्स हमें जो डिनोमिनेटर से आया है उस क्रिटिकल पॉइंट को तो अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स लेस देन इक्वल का साइन है तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट इस वैल्यू को इंक्लूड करते हुए चलेंगे। तो जो स्टूडेंट्स हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू माइनस के वन अपॉइंट फोर, इसको तो अवॉइड करना है एंड कॉमा वन अपॉइंट थ्री और वन अपॉइंट थ्री को क्या करना है स्टूडेंट इंक्लूड करना, ये हमारा स्टूडेंट हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वेरी गुड डेटा। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग क्रिटिकल पॉइंट को लिखते हैं। क्रिटिकल पॉइंट देखिए कितना है स्टूडेंट्स, देखिए सबसे पहले 1/2 मिलेगा, फिर हमें स्टूडेंट्स माइनस का 3 मिलेगा, फिर 2 मिलने वाला है, फिर 1 मिलने वाला है। उसके बाद स्टूडेंट्स देखिए 0 मिलने वाला है, माइनस 6 मिलने वाला है, 9 मिलने वाला है, और इन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का स्टूडेंट्स हमें चेक करना पड़ेगा। तो आप चेक करोगे तो ए का वैल्यू पॉजिटिव है और इसका डी क्या है इसमें देखे नेगेटिव है। तो पूरा का पूरा स्टूडेंट क्वाड्रेटिक जो एक्सप्रेशन होगा वो ऑलवेज हमेशा क्या बनेगा स्टूडेंट्स, पॉजिटिव। तो इसे स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे अपने इस इनइक्वालिटी के क्वेश्चन से इसको क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, लीव कर देंगे, लीव इसको यहाँ से छोड़ देंगे। तो छोड़ने के बाद स्टूडेंट्स अच्छा इसे छोड़ दिया जाएगा। साथ साथ देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है वो नेगेटिव है, इसे पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो पॉजिटिव बनाने के लिए स्टूडेंट्स यहाँ से हमें नेगेटिव कॉमन लेना पड़ेगा, और यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स एक नेगेटिव हमें कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि इसके पास पावर 2 है, इवन पावर है। ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, पॉजिटिव, यानी एक नेगेटिव आ रहा है, जिसके वजह से स्टूडेंट्स हमें साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो जो हमारा न्यू क्वेश्चन बनेगा स्टूडेंट्स किस तरह से बनेगा देखिए, वो बनेगा 2x-1 x प्लस का 3 x माइनस 2 x माइनस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x टू द पावर 4 x प्लस 6 x माइनस 9 और इसे लिफ्ट करना है। साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या करते हैं सर, चेंज कर देते हैं, ग्रेटर देन क्या हो जाएगा सर, 0। अब स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर जो हमारा जो क्रिटिकल पॉइंट डिनोमिनेटर से आया है उसे तो हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, लीव करना पड़ेगा। तो सबसे पहले 0 को हम लोग लीव कर देंगे, माइनस 6 को लीव कर देंगे और 9 को लीव कर देंगे, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स देखिए इवन पावर कहाँ से आया, तो इवन पावर आया स्टूडेंट एक 0 पे और एक आया है कितने पे स्टूडेंट, 1 पे। तो 0 पे आया है इवन पावर और एक 1 पे आया है इवन पावर, बाकी सबके सब क्या है स्टूडेंट, ऑड। हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट नंबर लाइन पे अरेंज करते हैं इन क्रिटिकल पॉइंट। सबसे पहले कौन आएगा स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले माइनस 6, उसके बाद माइनस 3, उसके बाद स्टूडेंट्स आ जाएगा 0, फिर आ जाएगा 1/2, फिर आने वाला है 1, उसके बाद 2 और उसके बाद फाइनली 9। जोन जोन वैल्यू जो जिस वैल्यू का स्टेंस हमें लीव करना है उसको स्टेंस हम लोग क्रॉस लगा देते हैं, यानी कि वाइट सर्कल पहना देते हैं, यानी इसे हम लोग लीव करेंगे, 0 को लीव करेंगे और 6 को लीव करेंगे, माइनस 6 को, और 9 को लीव करेंगे। इवन पावर कहाँ से आया स्टूडेंट देखिए, इवन पावर आया है 0 पे, क्योंकि 0 के स्टूडेंट इवन पावर आया है और इवन पावर आया है 1 पे। तो इन दोनों जगह पे स्टूडेंट हम लोग कंडीशन को चेक करते हैं, यदि सेटिस्फाई कर जाता है जिसकी वैल्यू को लेना है, अदरवाइज इसे क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, लीव करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे कंडीशन चेक करने की आवश्यकता नहीं है, ये बोला है इसे नहीं लेना है और ये बोला है कंडीशन चेक करो, तो जब इस वैल्यू को हमें लेना ही नहीं है तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें कंडीशन चेक करने की आवश्यकता नहीं है, डज नॉट रिक्वायर एनी कंडीशन टू चेक। यहाँ पे देखते हैं इवन पावर है 1 पे, जैसे ही स्टूडेंट्स हम लोग 1 इस जगह पे वैल्यू पुट करते हैं अपने इनइक्वालिटीज पे तो ये 0 बन जाता है, और 0 ग्रेटर देन 0 ये स्टूडेंट क्या होता है स्टूडेंट, फॉल्स स्टेटमेंट है। तो 0 को हम लोग क्या कर देंगे स्टूडेंट, लीव करेंगे, 0 लीव करेंगे तो 0 को यहाँ हम लोग लीव कर देंगे। अब स्टूडेंट्स हमें सॉल्यूशन चाहिए कैसा देखिए स्टूडेंट, सॉल्यूशन है लेस देन सॉरी ग्रेटर देन इक्वल, तो ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन का है तो हमें क्रिटिकल वैल्यूज को तो नहीं लेना पड़ेगा, तो ग्रेटर देन है तो पॉजिटिव पॉजिटिव आंसर। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग अरेंज करते हैं साइन ऑफ पॉजिटिव, तो देखिए राइट साइड में सबसे पहले पॉजिटिव होगा, ये ऑड पावर से है तो पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा, ये ऑड से है तो पॉजिटिव से क्या हो जाएगा, नेगेटिव से क्या होगा स्टूडेंट, पॉजिटिव। ये इवन से आया है तो पॉजिटिव से पॉजिटिव रहेगा, ये ऑड से है तो नेगेटिव हो जाएगा, ये इवन से आया है तो नेगेटिव से नेगेटिव रहेगा,
ये ऑड्स आया है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये ऑड्स आया है तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, नेगेटिव। हमें कैसा आंसर चाहिए फ्रेंड्स, ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन चाहिए तो पॉजिटिव आंसर। तो पॉजिटिव आंसर के लिए फ्रेंड्स हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि इस वैल्यूज को तो हमें लेना ही नहीं है। देखिए तो लेना नहीं है तो यहाँ पे क्या लगाते हैं फ्रेंड्स, व्हाइट सर्कल। चूंकि ग्रेटर देन का है तो ग्रेटर देन होने की वजह से इन क्रिटिकल वैल्यूज को भी हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स ग्रेटर है तो यहाँ से लेकर के और ये वैल्यू यहाँ तक चलेगा, यहाँ तक चलेगा, इस वैल्यू को भी छोड़ना है, इस वैल्यूज को भी छोड़ना है, और साथ साथ फ्रेंड्स देखिए वन को हमें लीव करना है, तो वन को लीव कर देंगे, तो वन को हमें लीव करना पड़ेगा, अपने आंसर से हटाना पड़ेगा, लीव करना पड़ेगा, लीव। उसके बाद फ्रेंड्स पॉजिटिव है नाइन से लेकर के, नाइन को लीव करते हुए अनंत तक चला जाएगा। तो जो फ्रेंड्स हमारे जो फाइनल आंसर होगा एक्स बिलोंग्स टू, वो बनेगा माइनस सिक्स माइनस थ्री ओपन ब्रैकेट यूनियन, एक ही साथ लिखते हैं वन बाई टू तो टू माइनस छोड़ना है, यानी छोड़ देना है कौन से वैल्यू को, वन को, यूनियन नाइन टू इन्फिनिटी। ये रहा है फ्रेंड्स हमारा फाइनल आंसर। ओके फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले फ्रेंड्स हमें क्या करना पड़ेगा, इस वन को राइट साइड में लाना पड़ेगा। तो देखते क्या है, 7x माइनस का 17 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 4 माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना होगा देखिए फ्रेंड्स, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 4 7x माइनस का 17 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 10x माइनस का 21 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस कॉमन लेते हैं फ्रेंड्स, तो माइनस कॉमन लेने के बाद बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 21 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम लोग लिखेंगे, माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो नेगेटिव साइन, और जब दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, चेंज हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 21 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 4 लेस देन इक्वल टू 0। अब फ्रेंड्स हमें इसका फैक्टर करना पड़ेगा, तो फैक्टर देखिए कितना हो जाएगा, इसका फैक्टर करेंगे फ्रेंड्स तो ये फैक्टर जो होकर आएगा वो आएगा एक्स माइनस का 3 और एक्स माइनस का 7 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे फ्रेंड्स फैक्टर आएगा एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस का 4 है तो x प्लस 1 और x माइनस का कितना है देखे 4। अब इसे हम लोग मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, तो पहले x स्क्वायर फिर माइनस का 3x और माइनस माइनस, तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमें देखना पड़ेगा या फैक्टर चेक करना पड़ेगा, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले d चेक कर लेते हैं कितना होगा, d होगा माइनस का d स्क्वायर माइनस का 4ac, तो कितना हो जाएगा ये देखें, 1 माइनस 3 का स्क्वायर माइनस का 4 a इंटू में सी, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स 9 माइनस का 16, तो ये देखिए फ्रेंड्स आ रहा है कैसा, माइनस का 7 क्योंकि लेस देन 0 है। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ जो डिनोमिनेटर आया है वो लेस देन 0 आ गया, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट इसका लेस देन 0 आया है और ए क्या है फ्रेंड्स ग्रेटर देन 0 है। ये पूरा के पूरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, पॉजिटिव हो जाएगा। हम लोग इसे क्या कर देंगे फ्रेंड्स, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को अपने इनइक्वालिटी से लीव करेंगे, तो जैसे ही अपने इनइक्वालिटी से फ्रेंड्स लीव करेंगे इसका फैक्टर नहीं हो पाएगा, हमें इसे हटाना पड़ेगा यहाँ से। तो इसे रहने देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 3x
प्लस का 4, इसे हम लोग लिफ्ट कर देते हैं तो जो हमारा फाइनल बनेगा वह आएगा x माइनस 3 और x माइनस 7 ग्रेटर देन सॉरी लेस देन इक्वल टू 0 है। यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे सर, लेस देन इक्वल टू 0। क्रिटिकल पॉइंट्स हमारा एसेंस मिल रहा है 3 और 7, यहाँ पे होगा एसेंस पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे क्या होगा एसेंस देखिए पॉजिटिव, क्योंकि हमें लेस देन चाहिए तो इसको लेते हुए और इसको लेते हुए एसेंस जो हमारा फाइनल आंसर होगा x बिलोंग्स टू 3 to 7, 3 को भी इंक्लूड करना है और साथ साथ 7 को भी इंक्लूड करना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 3x लेस देन इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस के 5। अब यहाँ पे एसेंस देख सकते हैं जो इनइक्वालिटी का साइन है वो कितने जगह पे फ्रेंड्स, दो जगह पे। तो इस तरह के क्वेश्चन को फ्रेंड्स हम लोग सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व करते हैं देखिए, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, हमें एक इनइक्वालिटी बनाना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2 लेस देन इक्वल टू कितना है फ्रेंड्स 3x, और दूसरा इनइक्वालिटी बनाएंगे फ्रेंड्स हम लोग 3x लेस देन इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस का 5। पहला इनइक्वालिटी को देखिए फ्रेंड्स सोल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 लेस देन इक्वल टू 0, यहाँ से इसमें से आप फैक्टर करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 2x प्लस का 2 लेस देन इक्वल टू 0, तो x कॉमन लोगे तो x माइनस 1 और यहाँ से हम लोग माइनस 2 कॉमन ले सकते हैं। जैसे इसमें माइनस 2 कॉमन लेंगे ये बनेगा x माइनस का 1 लेस देन इक्वल टू 0, तो फैक्टर जो हमारा बन रहा है x माइनस 1 और x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। अब यहाँ से स्टूडेंट्स आप देख सकते हो हम नंबर लाइन पे जो अरेंज करेंगे ये 1 और ये कितना मिलेगा स्टूडेंट्स 2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि स्टूडेंट्स हमें लेस देन चाहिए तो हमें इस वैल्यू को इंक्लूड करते हुए इस वैल्यू को शामिल कर लेंगे। x बिलोंग्स टू कितना हो गया स्टूडेंट्स देखिए, x बिलोंग्स टू 1 to 2 दोनों को इंक्लूड करना, ये तो पहला इनक्वालिटी हो गया स्टूडेंट्स। सेकेंड इनक्वालिटी में क्या करेंगे सर देखिए, इसको सॉल्व करते हैं तो सारे पार्ट को इधर लेके आते हैं, तो देखिए कितना हो जाएगा सर देखिए, माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 5 लेस देन इक्वल टू 0, माइनस साइन कॉमन लेते हैं और दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनक्वालिटी का अपना साइन को क्या कर लेगा सर रिवर्स कर लेगा, तो 2x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसलिए स्टूडेंट्स हम लोग फैक्टर करते हैं तो 10 से स्टूडेंट्स हमें बनाना है कितना 3, तो बनेगा 2x स्क्वायर माइनस का प्लस का 2x माइनस का 5x माइनस का 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 2x कॉमन लेते हैं स्टूडेंट्स, देखिए x प्लस का 1 बनेगा, माइनस 5 कॉमन लेते हैं तो x प्लस का 1 बनेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से देख सकते हैं स्टूडेंट्स जो हमारा फैक्टर बनेगा 2x माइनस 5 और एक बनेगा x प्लस का 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पे अरेंज करते हैं तो पहला है माइनस 1 और एक है 5/2, प्लस माइनस और ये प्लस, क्योंकि हमें ग्रेटर चाहिए इसको इंक्लूड करते हुए बाहर की तरफ, इसको इंक्लूड करते हुए बाहर की तरफ, तो जो हमारे x बन रहा है फ्रेंड्स कितना बन रहा माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1, माइनस 1 को इंक्लूड करना पड़ेगा यूनियन 5/2 टू इन्फिनिटी। इसे स्टूडेंट्स हम लोग क्योंकि ये केस 1 से आया तो इसे हम लोग x1 कहते हैं और इसे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स x2। अब जो स्टूडेंट्स जो हमारा फाइनल आंसर बनेगा, फाइनल आंसर के लिए फाइनल सॉल्यूशन के लिए इन x1 और x2 का हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। x बिलोंग्स टू टेक द इंटरसेक्शन ऑफ x1 एंड x2। इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं देखिए, सबसे पहले नंबर लाइन पे जाते हैं, नंबर लाइन पे क्रिटिकल पॉइंट को ड्रॉ करते हैं, कितना है देखिए स्टूडेंट्स पहला से है 1 और दूसरा कितना है सर 2, तो 1 से लेकर के 2 तक वैल्यू को पहला केस बोल रहा है और दूसरा केस है स्टूडेंट जो हमारा वैल्यू है माइनस 1, तो माइनस 1 का यहाँ पे होगा माइनस 1 से बैक साइड, तो माइनस 1 से बैक साइड इस तरफ और उसके बाद स्टूडेंट देखिए 5/2 यानी यहाँ पे 5/2 से बाहर की तरफ, तो 5/2 लेते हुए इसको बाहर की तरफ। अब जो हमारा कॉमन आया
कहीं पे आप कॉमन देख रहे हैं, तो यहाँ पे कहीं पे भी कॉमन आंसर नहीं आ रहा है, तो फ्रेंड्स जो हमारा फाइनल आंसर होगा x belongs to 5, यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसे हम लोग राइट पार्ट को लेफ्ट साइड में लाते हैं तो क्या बनता है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 7 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 2 लेस देन इक्वल टू 0। अब एलसीएम ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 7 माइनस का 2 एक्स स्क्वायर माइनस का 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस का 1 लेस देन इक्वल टू 0। अभी देखिए क्या बनेगा, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 9 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस का 1 लेस देन इक्वल टू 0। माइनस कॉमन लेके इसको हम लोग स्टूडेंट्स इनइक्वालिटी के साइन को रिवर्स करते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 9 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस का 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट ये जो हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ये हमेशा पॉजिटिव होगा, इसको स्टूडेंट्स हम लोग क्या कर देंगे, लीव कर देंगे। जैसे स्टूडेंट्स लीव करेंगे तो जो हमारा फाइनल जो इनइक्वालिटी बचने वाला है वो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इस एक्सपेंस हम लोग इसके फैक्टर करते हैं, इसके फैक्टर हो जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 3x प्लस का 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखिए क्या बनेगा, ये एक्स माइनस का 3 और सेकेंड बनेगा एक्स माइनस का 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी एक्स माइनस 3 एक्सपेंट पावर्स में 2 होंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसके वैल्यू को देखते हैं कितने हैं, 3 है। और चूंकि राइट साइड में स्टूडेंट्स हम लोग पॉजिटिव लिखते हैं क्योंकि इवन पावर ऑफ ब्रैकेट्स आया है तो साइन पॉजिटिव क्या रहेगा स्टूडेंट्स, पॉजिटिव। हमें स्टूडेंट्स पॉजिटिव आंसर लेना है, अब पॉजिटिव आंसर आप देख सकते हैं स्टूडेंट पूरे के पूरे, यानी नेगेटिव से लेकर के पूरे बाहर, इन दोनों पॉइंट्स को भी इंक्लूड करते हुए इसका स्टूडेंट्स जो हमारा फाइनल आंसर रहा है एक्स बिलोंग्स टू क्या रहा है स्टूडेंट्स, आर या इसी को स्टूडेंट्स लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ओके स्टूडेंट्स, और ये हमारा फाइनल आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग स्टूडेंट क्या करते हैं इसे राइट साइड लेके आते हैं, लेफ्ट साइड 1 अपॉन एक्स प्लस का 2 माइनस का 3 अपॉन एक्स माइनस का 3 लेस देन 0। एलसीएम लेते हैं एक्स प्लस का 2 एक्स माइनस का 3 एक्स माइनस 3 माइनस ऑफ 3x माइनस का 6 लेस देन 0। अब देखिए इसमें क्या होगा, माइनस का 2x माइनस का 9 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 और x प्लस कितना है फ्रेंड्स, x माइनस 3 लेस देन 0। माइनस दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी अपना साइन बदल देगा, तो इनइक्वालिटी अपना साइन बदल के x प्लस का 2 और ये कितना हुआ फ्रेंड्स, देखिए x माइनस का 3 ग्रेटर देन 0। क्रिटिकल वैल्यूज कितने आ रहा है फ्रेंड्स, देखिए क्रिटिकल वैल्यूज आ रहा है, एक आ रहा है माइनस का 2 और एक माइनस का 9/2, यानी माइनस का 9/2, फिर उसके बाद माइनस का 2 और एक आ रहा है स्टूडेंट कितना 3। क्योंकि ये डिनोमिनेटर है तो इसे स्टूडेंट्स हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, और कहीं भी इवन पावर नहीं है तो हम लोग साइन को क्या कर सकते हैं सर, रिवर्स करेंगे बार बार, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव और ये क्या होगा सर नेगेटिव, हमें लेस देन चाहिए यानी क्रिटिकल वैल्यूज को इंक्लूड नहीं करना है, तो लेस देन में यानी नेगेटिव साइन, तो इसको यहाँ से छोड़ते हुए बाहर की तरफ इसको छोड़ते हुए इसको भी छोड़ते हुए इन दोनों के इन बिटवीन हमें आंसर को लेना है। जो हमारा फाइनल आंसर आया है देखिए x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन सॉरी माइनस इन्फिनिटी टू माइनस के 9/2 माइनस के 9/2, इसको भी एक्सक्लूड करना है यूनियन, और माइनस 2 to 3 ये फाइनल आंसर। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन राइट साइड में लेके आते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस का 1 प्लस 2 लेस देन 0। एलसीएम वगैरह ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस का 2 एक्स स्क्वायर माइनस का 2 लेस देन 0, 3 एक्स स्क्वायर और ये दोनों वैल्यूएशन हमारा कैंसिल आउट हो जा रहा है,
तो 3x² डिवाइडेड बाय x² माइनस का 1 लेस देन 0, इसके साथ हम लोग फैक्टर करते हैं। देखिए तो 3x² डिवाइडेड बाय इसके फैक्टर हो जाएंगे x माइनस 1 और एक फैक्टर हो जाएगा x प्लस 1 लेस देन 0। अब स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, इसके क्रिटिकल वैल्यूज को हम लोग नंबर लाइन पे अरेंज करते हैं। तो जो क्रिटिकल वैल्यूज है कितने हैं, देखिए फ्रेंड्स क्रिटिकल वैल्यूज आ जाएंगे 0, सबसे पहले माइनस 1, एक 0 और एक कितने फ्रेंड्स 1। डिनोमिनेटर से जो वैल्यूज आए हैं उसको हम लोग डिस्कार्ड कर देते हैं, माइनस 1 को हटा देंगे और 1 को भी हटा देंगे और 0 0 स्टूडेंट्स हमारा इवन पावर ऑफ ब्रैकेट आया है, तो हम लोग ई लगा देंगे। साइन पहले स्टूडेंट्स पॉजिटिव होगा फिर नेगेटिव होगा, क्योंकि इवन पावर है तो नेगेटिव का नेगेटिव और इधर क्या हो जाएगा सर पॉजिटिव हो जाएगा। हमें लेस देन साइन चाहिए, लेस देन सॉल्यूशन में चाहिए, तो हमें नेगेटिव पार्ट चाहिए। इसको यहाँ से छोड़ते हुए यहाँ तक स्टूडेंट्स हमें आंसर को लेना है, इसको भी छोड़ते हुए और चेक करना है स्टूडेंट्स इवन पावर ब्रैकेट पे। इवन पावर ब्रैकेट पे 0 रख करके आंसर को देखें स्टूडेंट्स, तो 0 लेस देन 0 क्योंकि स्टूडेंट्स हमारा कैसा स्टेटमेंट है ये फॉल्स, तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स लीव करना पड़ेगा। तो अपने सॉल्यूशन से 0 को यहाँ से क्या करना पड़ेगा 1 को हटाना पड़ेगा। तो जैसे 1 को हटाएंगे स्टूडेंट्स तो जो हमारा फाइनल आंसर बनेगा x बिलोंग्स टू माइनस 1 से लेकर के 1 तक दोनों को हटाना है और माइनस कर देते हैं किसको स्टूडेंट्स 0 को, तो 0 को अपने सॉल्यूशन से सॉरी 0 नहीं 1 को माइनस 1 से लेकर के 1 तक और 0 को हम लोग स्टूडेंट्स क्या करेंगे लिफ्ट कर देंगे। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, ओके सर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे पहले लिखते हैं 5 माइनस का 4x माइनस का 12x² माइनस प्लस 4x प्लस 16 डिवाइडेड बाय 3x² माइनस का x प्लस माइनस का 4 लेस देन 0। अब क्या लिखते हैं देखिए माइनस का 12x² ये 4x और 4x क्या हो जाएगा सर कैंसिल हो जाएगा और 16 5 21 तो प्लस का 21 डिवाइडेड बाय कितना है देखिए डिवाइडेड बाय हो जाएगा 3x² माइनस x प्लस का माइनस का 4 लेस देन 0। माइनस कॉमन ले लेते हैं, जैसे सुन हम लोग माइनस कॉमन लेंगे तो कितना बनेगा देखिए ये बन जाएगा 12x² माइनस का 21 डिवाइडेड बाय कितना है देखिए 3x² माइनस का x माइनस का 4 लेस देन 0। अब दोनों के दोनों सेंस देख सकते हो हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले क्या करते हैं सर ऊपर जो हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग 3 जब कॉमन लेंगे देखिए आप 3 कॉमन लेते हैं तो 3 हो जाएगा 4x² माइनस है कितना सर 7 डिवाइडेड बाय कितना सर देखिए यह हो जाएगा 3x² माइनस का x माइनस का 4 लेस देन 0। अब ऊपर वाला क्या है हमारा फैक्टर हो सकता है, 3 को हम लोग यहाँ से वाइड कर देते हैं इधर 0 की तरफ ला करके इसको हटा देते हैं तो हमारा ये बन जाएगा 2x का होल स्क्वायर माइनस का रूट 7 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना है देखिए ये बन जाएगा 3x² माइनस का x माइनस का 4। तो सबसे पहले इसका एसेंस हम लोग चेक करते हैं डी को चेक करते हैं, डी कितना होगा एसेंस देखिए 1 प्लस का 4 इंटू 3 इंटू में 4 सिचुएशन से हमारा पॉजिटिव आ रहा है और कितना होगा एसेंस देखिए ये होगा 12 16 48 49 49 जो कि ग्रेटर देन 0 है। जो हमारा यहाँ से एसेंस जो हमारा x बनेगा वो बन जाएगा कितना एसेंस देखिए x बन जाएगा माइनस का b तो माइनस माइनस प्लस का 1 प्लस माइनस रूट 49 डिवाइडेड बाई कितना एसेंस देखिए 2 इंटू में 3। तो यहाँ से जो एसेंस हमारा जो सॉल्यूशन आ रहा है वो आ रहा है 1 प्लस माइनस 7 डिवाइडेड बाई कितना एसेंस 6। तो एक आंसर आ जाएगा एसेंस हमारा 4/3 और एक आंसर आ जाएगा एसेंस माइनस का 1। तो इसके जो फैक्टर्स बनेंगे एसेंस देखिए कितने बनेंगे, एक बनेगा x प्लस का 1 और एक फैक्टर बनेगा x माइनस का 4/3 और साइन कैसा होगा एसेंस देखिए लेस देन इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करते हैं एसेंस
इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x प्लस का रूट 7, इसको लिख सकते हैं 2x माइनस का रूट 7 डिवाइडेड बाय कितना समझ देखे, डिवाइडेड बाय x प्लस 1 और ये रहेगा कितना समझ देखे x माइनस 4 बाय 3 दैट इक्वल टू 0। अब रूट 7 का मतलब कितना हो गया सर, रूट 4 का मतलब 2 और रूट 9 होता है तो इसमें कितना होता है रूट 9 का मतलब होता है 2, तो रूट 7 है तो 2 और 9 के बीच में, अब 4 बाय 3 मतलब 1। तो क्रिटिकल पॉइंट पे इसमें हम लोग नंबर को अरेंज करते हैं, तो सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट पर नंबर जब अरेंज करोगे तो क्या मिलता है देखिए माइनस का रूट 7 बाय 2, तो रूट 7 बाय 2 कितना हो जाएगा इसमें देखिए रूट 7 मतलब कि 2 और 3 के बीच में डिवाइडेड बाय 2 तो 1 पॉइंट समथिंग। तो सबसे पहले रूट 7 को चेक कर लेते हैं हम लोग, तो रूट 7 का इसमें जो हमारा वैल्यू होगा रूट सेवन 2.6 होगा, इसको इसमें हम लोग डिवाइड कर लेते हैं कितना से 2 से, इसके वैल्यू हो जाएगा 1.3 तो यहाँ लिख देते हैं रूट 7 बाय 2 का मतलब होता है 1.3 और यहाँ से 4 बाय 3 का मतलब कितना होता है इसमें देखते हैं 1.3 2 होगा 1.3 2। अब सेकेंड को चेक करते हैं, सेकेंड है 4 बाय 3, 4 डिवाइडेड बाय 3 ये आता है 1.333। 4 बाय 3 का मतलब होता है 4 बाय 3 का मतलब होता है 1.33, ये बड़ा वैल्यू है और ये छोटा वैल्यू है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं माइनस का रूट सेवन बाई टू, उसके बाद माइनस के साथ उसके बाद चेक करते हैं सर कितना होगा, माइनस का 1 होगा, उसके बाद कितना होगा सर देखें रूट 7 बाई 2 और उसके बाद कौन आएगा सर 4 बाई 3, ये डिनोमेटर से है तो इसको लीव कर देते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं लीव कर टाइम को बदलते हैं, ये प्लस ये माइनस ये प्लस और ये माइनस और ये क्या है सर देखें प्लस, हमें लेजर साइन चाहिए तो लेजर चाहिए तो इसको हटाते हुए यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको हटाते हुए यहाँ से लेकर के यहाँ लेजर का जो हमारा फाइनल आंसर रहा है एक्स बिलोंग्स टू माइनस का रूट 7 बाई 2 टू माइनस का 1 दोनों को हटा देना है यूनियन रूट 7 बाई 2 टू 4 बाई 3 दोनों को हटाना है, ये हमारा फाइनल आंसर। ओके सर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन बचते हैं, लेकिन आप क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए और ट्राई करने के बाद इसके सोल्यूशन क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में सेंड करें। ओके सर तो आज की क्लास क्वेश्चन हम लोग यहीं पे रोकते हैं। ओके सर थैंक यू।